मुरादाबाद जिले में आज 6 दरोगा सहित 10 पुलिस कर्मियों का रिटायरमेंट हो गया है। पुलिस लाइन के सभागार में SSP बबलू कुमार ने सेवानिवृत्त हुए सभी पुलिस कर्मियों को बधाई देते हुए उनके द्वारा विभाग में किए गए कार्यों की जहां प्रशंसा की, वहीं आने वाला समय भी उनका उज्ज्वल हो ऐसे अपने विचार व्यक्त किए। पुलिस लाइन सभागार में आयोजित हुए इस विदाई समारोह के दौरान SSP बबलू कुमार ने कहा कि वह भले ही सेवानिवृत्त हो गए हैं, लेकिन विभाग को उनकी आवश्यकता पड़ती रहेगी। SSP बबलू कुमार ने कहा कि किसी भी परेशानी के समय सभी उनकी व विभाग की मदद भी ले सकते हैं। SSP बबलू कुमार ने कहा कि सेवानिवृत्त हुए सभी पुलिस कर्मियों के लिए विभाग के आला अधिकारियों द्वारा एक सुविधा शुरू की गई है, जिसमें समय समय पर पुलिस लाइन में सेवानिवृत्त हुए पुलिस कर्मियों के साथ मौजूदा पुलिस कप्तान के साथ एक बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें पहुंचकर वे अपनी समस्याएं रख सकते हैं। बैठक में सेवानिवृत्त हुए अधिकारियों के साथ मौजूदा जिले के आला अधिकारी भी मौजूद रहते हैं। इस मौके पर 6 दरोगा देवेंद्र सिंह, जयप्रकाश, ऋषिपाल सिंह, वेदपाल, रविंद्र कुमार सिंह, नरेश कुमार गिरी के साथ पुलिस कर्मियों प्रेमपाल शर्मा, खूबचंद्र, वीरेंद्र कुमार सिंह और शराफत अली को SSP बबलू कुमार, SP सिटी अखिलेश भदौरिया, ASP सागर जैन, CO कोतवाली ने संयुक्त रूप से उन्हें पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया, फूलमालाएं पहनाकर उन्हें विदाई दी। इस मौके पर सेवानिवृत्त हुए पुलिस कर्मियों के परिवार के लोग भी अधिक संख्या में मौजूद रहे और भांगड़े के साथ उन्हें पुलिस लाइन से घर तक पहुंचाया गया। पुलिस लाइन के सभागार में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कमेटी के अध्यक्ष ऋषिपाल सिंह भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। ऋषिपाल सिंह ने कई सालों तक थाना सिविल लाइन व GRP में रहते हुए हेड मुहर्रर के पद पर बेहतर काम किया और थानों का संचालन किया। अब ऋषिपाल सिंह के दोनों बेटे भी दूसरे जिलों के थानों में SHO के पद पर थानों को चला रहे हैं। इस मौके पर सभी परिवार के लोगों के साथ मौजूद पुलिस अधिकारियों में भी खुशी का माहौल देखा गया। इतना ही नहीं, सेवानिवृत्त हुए पुलिस कर्मियों के परिजन SSP बबलू कुमार के साथ अपने अपने मोबाइल फोन से सेल्फी लेते नजर आए।